जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर ले चलूँगा हर की पैड़ी, और हर की पैड़ी के जो ताज़ा दृश्य हैं वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल के दिन 25 अगस्त को हरिद्वार में बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई लगभग 3-4 घंटे, और जिसकी वजह से हर की पैड़ी में एक कार भी बहकर पहुंची हुई थी। तो आज के दिन देखते हैं हर की पैड़ी का जो हालात हैं वो कैसे हैं, ताज़ा दृश्य देखेंगे, इसके साथ साथ माँ गंगे के दर्शन भी करेंगे। और फिलहाल आप अपर रोड के जो ताज़ा दृश्य हैं वो देख सकते हैं। ये सुबह 9 बजे के आसपास की वीडियो है जो इस समय आप देख रहे हैं। ज़्यादा श्रद्धालु तो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि वीकेंड के दिनों में ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बाकी के दिनों में नॉर्मल जैसा यहाँ पर हालात होते हैं। तो अभी चलते हैं, यहाँ से हर की पैड़ी के लिए एंट्री होती है, तो अंदर चलते हैं और वहाँ के जो सुंदर दृश्य हैं और माँ गंगे के दर्शन मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के अच्छे स्थानों को देखना चाहते हैं, ज़रूरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जो कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और जिसकी वजह से कार बहकर यहाँ पहुँची थी, तो उसके एक बार फिर से आप दृश्य देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने शायद ये वीडियो नहीं देखी होगी, तो आप उस क्षण को इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये कार है जो कि पानीपत के कुछ श्रद्धालु हैं जो कि हरिद्वार आए हुए थे, और उनकी गाड़ी है जो कि भीमगोड़ा के पास खड़खड़ी में सूखी नदी पड़ती है, वहां पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। क्योंकि आमतौर पर सूखी नदी सूखी रहती है, वहां पर जल नहीं आता है, और इसी वजह से वहाँ आसपास के लोग या होटल में जो रहने वाले लोग हैं सूखी नदी में अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। लेकिन कल जब भयंकर बारिश हुई तो जंगल से, पहाड़ों से बहुत तेज़ी के साथ जल आया और वो गाड़ी को बहाते बहाते हर की पैड़ी पर ले आया। तो आप ये देख सकते हैं, ये कार हर की पैड़ी के जहाँ पर माँ गंगे की विशाल प्रतिमा है उसी के पास ये गाड़ी पहुँच गई है, वहाँ पर ये गाड़ी पहुँच गई है। हालाँकि देर शाम तक ये गाड़ी निकाल भी ली गई है, तो आप इसका ध्यान रखें, वहाँ पर गाड़ी बरसात के दिनों में पार्क ना करें। और अब हम देखने वाले हैं हर की पैड़ी के ताज़ा दृश्य। 26 अगस्त की ये वीडियो है, समय लगभग 9 बजे की, ये ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं, हरिद्वार के दर्शन आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर, मैं इस समय संजय पुल में हूँ, संजय पुल में खड़े होकर आप हर की पैड़ी के जो ब्रह्मकुंड घाट के दृश्य हैं और जो घंटाघर घाट के दृश्य हैं वो आप देख सकते हैं। आपको श्रद्धालुओं की संख्या आज कम दिख रही होगी और जल भी जो है वो भी कम है। जब कभी ज़्यादा बारिश होती है और जब सिल्ट की मात्रा या रेत की मात्रा जब ज़्यादा आने लगती है, तो इस साइड जो हर की पैड़ी का जो मेन ब्रह्मकुंड साइड का जल को रोककर दूसरी साइड के जल को और नीलधारा की ओर ज़्यादा जल छोड़ा जाता है। दोस्तों, चार धाम यात्रा को लेकर लगातार व्यापारियों की ओर से जो वहाँ के सदस्य हैं, जो चार धाम यात्रा से जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार, जिनका घर उस चार धाम यात्रा से चलता है, उनकी ओर से लगातार कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द चार धाम यात्रा शुरू हो। और सरकार ने भी संज्ञान में लिया है और बहुत जल्दी हो सकता है इस पर कोई डिसीजन आ जाए।
तो अभी फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना होगा, जैसे ही कोई जानकारी मिलती है मैं आपको इसकी जानकारी दे दूँगा। और फिलहाल अब मैं पहुँच चुका हूँ घंटाघर घाट पर, और यहाँ के आप सुंदर दृश्य देख सकते हैं, माँ गंगे के दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मनसा देवी मंदिर का जो रोपवे है वो चालू हो चुका है, लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं। अगर आप मनसा देवी मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप हरिद्वार आ सकते हैं और रोपवे के द्वारा आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। देख सकते हैं हर की पैड़ी में आज जो जल है काफ़ी कम है, लोग बीच धारा में जाकर वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सुभाष घाट और गऊ घाट के भी दृश्य दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं बस यही दृश्य मैं नहीं देखना चाहता हूं। आप लोगों में से कोई भी ये दृश्य नहीं देखना चाहता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पन्नियाँ हैं, रैपर्स हैं, इनको डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें। अब ये बिल्कुल जल के करीब पहुंच चुके हैं और ये पैरों में लगते लगते जल में चले जाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। और अब मैं पहुंच चुका हूं एक बार फिर से घंटाघर घाट के पास। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहे होंगे, श्रद्धालुओं की संख्या आज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो आज हर की पैड़ी के जो दृश्य हैं बहुत ही सुंदर दिख रहे होंगे। और देख सकते हैं 9 बजे का समय है। और अब मैं पहुंच चुका हूं नाई घाट की तरफ। तो दोस्तों जो कल बारिश हुई थी, जो मूसलाधार कल बारिश हुई 3-4 घंटे, उसका कोई उसी समय जो भी जल का बहाव था बढ़ा था, अभी कोई खतरे वाली बात नहीं है या जल का लेवल कोई ऐसा खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, जल नॉर्मल यहां पर दिख रहा होगा। तो अगर आप प्लान करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। और अब मैं ले चलता हूँ आपको सुभाष घाट की ओर, और सुभाष घाट से आप सुभाष घाट के दृश्य और उसके साथ साथ गऊ घाट के भी कुछ दृश्य आप देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के अच्छे स्थानों को देखना चाहते हैं, जरूरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज की वीडियो मेरे पास नहीं आई है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो अपने आप ही जो वीडियो है आपके पास आ जाया करेगी। और अब मैं पहुंच चुका हूं सुभाष घाट पर। दोस्तों मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो अभी भी गाइडलाइंस के अनुसार रिपोर्ट की ज़रूरत होगी। अगर आपके दोनों वैक्सीन लग चुकी है और 15 दिन हो चुके हैं तो आपको रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों वैक्सीन नहीं लगी है तो आपको कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। रिपोर्ट RT-PCR, ट्रूनेट, रैपिड कोई भी हो सकती है, बस ये ध्यान रखें कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। और ये सुभाष घाट के दृश्य आप देख सकते हैं, इसी के आगे गऊ घाट पड़ता है, बिल्कुल सुभाष घाट और गऊ घाट बगल बगल में है। और यहाँ भी कुछ श्रद्धालु पतित पावनी माँ गंगे के जल में स्नान कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये दृश्य है। 26 अगस्त की ये वीडियो है, आप 9 बजे के समय हरिद्वार से माँ गंगे के दर्शन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ और भी जो लोग हैं उनको आज माँ गंगे के दर्शन कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।